नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ई केवाईसी अपडेट कराने के लिए क्या आपको भी फोन मैसेज आया था? अगर ऐसा कोई मैसेज या फोन आता है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि ई केवाईसी अपडेट कराने के चक्कर में आपका अकाउंट ऑफ हो जाए। मार्केट में फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है जो ई केवाईसी अपडेट कराने की आड़ में चल रहा है। इसमें लोगों को फोन करके ई केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर आधार, बैंक अकाउंट सहित अहम जानकारियां मांगी जा रही है। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को सर्विस प्रोवाइडर का प्रतिनिधि बताता है। आइए इस तरीके के बारे में जानते हैं ताकि आप इस फ्रॉड का शिकार ना हो सके। हाल में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कुछ लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाया गया है। इसमें कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर ई केवाईसी अपलोड करने के लिए कहा जाता है। आपको एक नंबर पर फोन करने के लिए कहा जाता है। डराया जाता है कि डिटेल नहीं देने पर मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। अब जब नंबर पर फोन करते हैं तो आपको टीम क्यूआर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपके फोन का एक्सेस फ्रॉड करने वालों को मिल जाता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।